ना ये इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? ये छोरियां तो वापस आ गई। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। एक बाप की गैर मौजूदगी में छोरियों को तड़पता देख के आपका खून तो सूखेगा ही सूखेगा, मेरा 1-2 किलो बढ़ जाएगा। बाय बाय। नखरचू, तेरा प्लान तो मने अब फेल होते हुए दिख रहा है। एक मेरी छोरियां हाथी बाजार में दुकान ना खोली, और एक तो ये छोरे अग्नि और प्रमोद भी आ गए, ये छोरे मने जरूर बचा लेंगे। पूरे रिजोर्ट में सबसे पता कर लिया। लास्ट टाइम भाई साहब घनशु के साथ दिखे थे, उसके बाद से कुछ ना पता चल रहा। हिज वॉलिटी जोल सो इन हिज रूम। अगर वो बाहर जाते तो कम से कम पैसे तो लेके जाते। वो कहीं भी जाते पर मेरा फोन तो उठाते। कितना भी गुस्सा होते तो मुझे बता के तो जाते, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। तो घबराहट हो रही है। हे माता रानी, उनकी रक्षा। मम्मी 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 चाचा, आप मम्मी के साथ ही रहना। और वो अवतार अंकल और चुन्नी अंकल को फोन करके एक बार देख लो, शायद पापा ने फोन पे बात की हो। मैं मामा से बात करती हूँ, लास्ट उन्हीं से बात हुई ना, तो शायद कोई क्लू मिल जाए। हाँ, मैं और पुत्तू चाची को घेरते, उनको कुछ ना कुछ पता ही होगा। चाचा जी, मामा यहाँ नहीं है तो कहाँ है? गरिमा, अभी तो कहीं ना थे आसपास, ये अचानक कहां से प्रकट हो गए? मामा आप कहां से आए? आए मतलब, मैं तो यहीं बैठा हूं, तू कहां थी? ना बड़ी देर से ना तू दिखाई दी, ना सुशीला। वो हम लोग तो थोड़ा मार्केट की तरफ गए थे। वैसे पापा का कुछ पता चला? ना, मुझे तो खुद हैरानी है कि गुरुजी बिना बताए चले क्यों गए। ना आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि वो चले गए हैं? नहीं मतलब, पापा का वॉलेट रूम में पड़ा हुआ है, और चाचा ने भी गार्ड से पूछताछ की है, किसी ने उन्हें रिजॉर्ट से जाते हुए देखा नहीं है। ना गार्ड्स का तो छोड़ दे, कभी कभी तो मन लगता है ना कि मैंने शोपीस रखे हैं गार्ड्स के नाम पे। उन्हें तो रितु के निकलने का ही पता ना चला था। अब इतनी खोज खबर के बाद भी रिजॉर्ट में गुरुजी ना मिले तो मतलब बाहर ही गए होंगे ना। आपकी क्या बात हुई थी उनसे? वो मनाने आए थे और मैं तो मान भी गया था। गुरुजी से के बैर, अपने ही गुरुजी हैं, उन्हीं के थप्पड़ खा खा के मैं इतना बड़ा आदमी बना हूं। फिर हमने बैठ के चाय पी, इधर उधर की बातें करने लगे, पर तुम दोनों के व्यवहार से बड़े दुखी थे, बुझे बुझे से लग रहे थे वो। मम्मी से तो ठीक ठाक नॉर्मल बात हुई थी, उन्हीं के कहने पे तो आपको वो सॉरी बोलने आए थे, फिर सडनली मूड कैसे चेंज हो गया? अब इसका जवाब तो गुरुजी दे सकते हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैंने खुद रिजॉर्ट का चप्पा चप्पा ढूंढा है, अंदर तो ना है वो। ना छोरी को झूठ बोल रहा है खर्चू, और गरिमा को भी सकड़ा हो रहा है। अरे यही है गुनाहगार, इसी ने मेरा अपहरण करके मने यहां कैद करके रखा है। अच्छा है इंस्पेक्टर साहब यहां आ गए, ये तो पकड़ लेंगे खर्चू का झूठ। ये तो पुलिस है, इनका तो काम ही है शक करना। कुछ पता चला? आप वापस आ गए ना? जहां भी गोलमाल होता है ना घनश्याम जी, अग्नि वहां प्रकट हो ही जाता है। और कह के गया था ना मैं आपसे कि कोई कंप्लेंट ना आनी चाहिए ना, आप तो एक दिन भी ना रुके। ना आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब मेरा किया धरा है। ना आपने नहीं किया तो किसने किया है? धर्मपाल जी के साथ लास्ट बार आपको देखा गया था। क्या कर रहे हो तुम? मामा है हमारे। सॉरी मामा जी, वो सब लोग बहुत नर्वस है इसलिए। ना, 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 मैं समझता हूँ। पुलिस वाले हैं, शक करना इनका काम है। और फिर छोटा मोटा झगड़ा थोड़ी हुआ था हमारे और गुरुजी के बीच में। पुलिस वालों को तो ऐसे लगेगा ना कि मेरा किया धरा है सब। पर ऐसा है ना इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद गुरुजी को ढूंढने निकल रहा था,
जैसे कुछ पता चलता है ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ना मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मम्मी चाचा और पुत्तू की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बिना वॉलेट के बिना किसी को कुछ बताए बाहर कैसे जा सकते हैं, और अगर गए भी होंगे तो कम से कम एक बार तो मम्मी का फोन उठाएंगे ना। और मामा की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि अगर वो रिजॉर्ट में होते तो अब तक तो दिख जाते ना। अब तक एक अजीब सी फील आ रही थी, अब मैं नर्वस हो रही हूँ ना। कुसुम जी के दिल की आवाज कितनी सही थी यो तो मैं ना बता सकता गरिमा जी, पर यो मामा की बातों पे हमें आंख बंद करके भरोसा ना करना चाहिए ना। इसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है जैसे ही मैं सामने आता हूँ। एक मिनट, डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ। डॉक्टर प्रमोद, आप एक काम करो, अभी अभी घनश्याम जी निकले अपने ऑफिस से धर्मपाल जी को ढूंढने के लिए, आप उनका पीछा करो, देखो कुछ पता चलता है तो। हमें सुशीला के पास चलना चाहिए ना, हो सकता है चाची ने उसे कुछ बोला हो। हाँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई गॉड। हनुमान जी ने मेरी जीभ काट ले, माता रानी मुझे पाप चढ़ा दे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अरे जब से तुम दोनों छोरियां भाई साहब नंबर एक भाई साहब नंबर दो का पैचअप कराने के लिए गई हो ना, तब से तुम इस स्पा में बैठे जीवन के आनंद ले रही हूँ। मेरा मतलब मनन कर रहे हूँ कि अपने आप में सुधार कैसे लाया जाए, लेकिन वो मसूर ने क्या मसाज दी, मतलब मेरी तो ना चुपकी लगी थी एक बात को भाई गण सच में। चाची ज्यादा चतुर बनना ना इस वक्त आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आपको कुछ भी पता हो ना बता दो। वैसे भी आप और पापा तो आजकल फास्ट फ्रेंड्स बन गए हो नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा आपको। गरिमा गरिमा देख, देख समझा ले अपने राक्षसी बहन को, वो ना ये सुशीला ना गलत जगह निशाना लगा रही है। अरे मुझे सच में नहीं पता भाई साहब कहाँ गए, क्यों गए, कब गए, कैसे गए, कौन से हवा में छूमंतर हो गए, माता रानी की कसम मुझे सच में नहीं पता। ना चाची माता रानी की कसम खाकर आप झूठ तो ना कह रही है, क्योंकि वो झूठ बहुत भारी पड़ सकता है आपको। बात पापा की है और आप तो जानती हो कि पापा के लिए हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। यस मम्मी, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। मेरे साथ तो ना वो वाली स्टोरी हो रही है, भेड़िया आया। अरे जब मैं सब कुछ सच कह रही हूँ तो मेरी बात मानने को राजी नहीं है। मैं ना भाई साहब को खुद ढूंढ के लाऊंगी, वही तुम लोगों को बताएंगी कि इस सब में ना चंचल का कोई हाथ नहीं था। हटो, हट जाओ, हटो। भाई साहब तू पीछे जा और कुछ भी ऑफ लगे तो फोन करना। यस दीदी, यस। ना ऐसे अचानक गायब हो गए, पापा जी क्या जताना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं हमें? अभी थोड़ी देर पहले तो रोहतक निकलने की तैयारी चल रही थी उनकी, और अब झज्जर में ही आइस पाइस खेल रहे हैं। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि अगर पापा को जगत की हमें दुकान देने वाली बात पता चल गई होती तो वो हमारे पीछे पीछे रोहतक में हमें रोकने के लिए आ जाते, यहाँ पे झज्जर में थोड़ी ना टहलते रहते। ना वैसे मैंने झज्जर और रोहतक दोनों जगह अपने कलीग्स को धर्मपाल जी की फोटो भेज दी। वैसे FIR करवाने वाला था मैं, पर 24 घंटे से पहले आप FIR करवा ना सकते। पर फिर भी धर्मपाल जी जैसे ही कहीं दिखाई देंगे ना, मन ने खबर हो जाएगी, टेंशन की बात ना है। कहिए पापा और मामा ने फिर से हाथ तो ना मिला लिया? तू कह रही कि दोनों मिलकर हमें रोहतक जाने से दुकान की डील करने से रोकना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, इतने बड़े कांड के बाद यू एंगल तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। मामा जी झूठ बोल रहे, उन्होंने आप लोगों से कहा था कि वो धर्मपाल जी को देखने के लिए रिसॉर्ट से बाहर जा रहे हैं। मैं पूरे टाइम एंट्रेंस पे खड़ा था, वो यहाँ से निकले ही नहीं है। नहीं, लेकिन मेन गेट के अलावा और भी तो कोई रास्ते हैं ना रिसॉर्ट से बाहर निकलने के लिए? हाँ राइट, इसलिए मैंने CCTV फुटेज भी चेक की है, वो किसी भी एग्जिट से बाहर नहीं निकले। इनफैक्ट मैंने रिसॉर्ट के बाहर वाले CCTV की भी फुटेज चेक की है और धर्मपाल जी भी इस रिसॉर्ट से बाहर नहीं निकले हैं फॉर श्योर। ना इस मामा का ना मैंगो मिल्कशेक बनाना पड़ेगा। ना मन ने तो पहले से शक था मामे पे, यो तो गरिमा जी ने रोक लिया, वरना मैं अपने तरीके से घुलवा लेता। यो कौन है? ओ तेरी। ना मैंने लास्ट लोकेशन निकलवाई थी धर्मपाल जी के फोन की, यो तो रिजॉर्ट ही बता रहा है। क्या मतलब? यो तो पक्का हो गया कि पापा रिजॉर्ट में ही है, और मुझे बड़ी जोर की फीलिंग आ रही है कि पापा कोई ना कोई मुसीबत में है। जब मामा से मैं बात कर रही थी ना तो वो बार बार यो कह रहे थे कि पापा पक्का बाहर गए हैं। जब पापा रिजॉर्ट में ही है तो मामा झूठ क्यों बोल रहे थे? ठीक कह रही है बहन, नए काम करते हैं, रिसोर्ट का कोना कोना छान मारते हैं, और स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। हाँ, और उम्र ऋतु की भी मदद ले लेते हैं, उसको इस रिसोर्ट के बारे में अच्छे से पता है ना। चल
ना गरिमा जी और सुशीला दोनों मामा को इग्नोर कर रहे हैं, पर इंस्पेक्टर अग्नि का इंस्टिंक्ट कहता है मामा ने जरूर कोई ऊंची हरकत की। सब सही जा रहा था, ये वापस कैसे आ गए सारे चिल्कों से? वापस लौट के ससुरों ने मेरे प्लान का दही भल्ला बना दिया। सोचा था गुरुजी से मजे लूंगा, उनको अपने पैरों पर उठाकर नाक डगड़वाऊंगा और फिर उठा के रिजॉर्ट से बाहर फेंक दूंगा। ना बाहर जाके गुरुजी क्या बोलेंगे, घनश्याम ने अपने जूतों पे नाक रगड़वाई है। ना इस बार तो दबी पछाड़ देखी दम लूंगा गुरुजी को मैं। बंदर कहां दिख गया सर जी आपको? मैंने तो कल ही पूरा रिसोर्ट चेक किया है। बंदर ना मारना, यहाँ इंसान को छुड़ाना है जी। है हाँ, तकलीफ है? तकलीफ तो है सर, आप बोलो जिसको सुलाना है सुला दूंगा। इधर देख, वो जो स्मार्ट सा बंदा खड़ा है ना फाउंटेन के पास, उसे सुलाना है। दिखाई दिया? मुझे कैसे दिखेगा सर जी। फाउंटेन पे दो आदमी दिख रहे हैं सर जी, आप किसकी बात कर रहे हो? बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी एक बात। हाँ, वो जो स्मार्ट सा हैंडसम सा बंदा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा सुन, ये कितनी देर तक सुलाती है इंसान को? बंदर तो 6-8 घंटे सोता है सर जी। हाँ तो इसे 2 मार, बड़ा वाला बंदर है ये। अरे ना ना सर जी, इसको 2 मारा तो कांडी हो जाएगा। हाँ तो इतनी जमीन खुली पड़ी, कहीं भी गाड़ देंगे। हैं? जी? अरे महाराज बंदर मार, मजाक कर रहा हूँ। सुन, एक ही मारियो, 6-8 घंटे तक देखते रहे, सोता रहे, जाग गया तो दोबारा ठोक दियो। और सुन, कोई पूछेगा ना मैं दिखा क्या तो? ना सर जी, मैं तो आपको जानता ही नहीं। ना 6 घंटे तो बहुत है, अगले 2 घंटे में गुरुजी खड़े होंगे मेरे सामने माफी मांगने के लिए अपने घुटनों पे, और तुम लोग ना ढूंढते रह जाओगे। अच्छा गुरुजी बाहर आके पुलिस वालों से कहेंगे तो क्या कहेंगे? घनश्याम ने उनसे नाक रगड़वाया। अरे जब कान पकड़ना कानून अपराध ना है तो नाक रगड़वाना अपराध कैसे हो सकता है? सोचो सोचो। ये और हैंडसम, इनसे ज्यादा हैंडसम तो मैं ही हूं। टी टी, ऑफिस से बहुत मुश्किल से चाबियां चोरी की, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है इसलिए मैं भी कर रही हूँ। तू एक काम करना, तू अपने मम्मी के साथ ही रहना, और इस बारे में कुछ भी पता चले ना अपने मम्मी पापा से हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? हाँ। ये ले बहन, पापा ठीक तो होंगे ना? देख बहन, जब तक तू और मैं साथ है ना, पापा का कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। हेलो हेलो, ना इंस्पेक्टर साहब, जो फोटो भेजी थी आपको उसका कोई अपडेट आया? नहीं। अच्छा चलो कोई ना, आप एक काम करो, 8-10 कॉन्स्टेबल भेज दो इस रिजॉर्ट में, ना पूरा का पूरा थाना ही उठा कर ले आओ जल्दी। कुछ पता नहीं चला। कौन है हैंडसम दादा? ये तो पर्सनल चॉइस है ना, घनश्याम जी ने कैसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। मुझे तो ये छोटा वाला ज्यादा हैंडसम लग रहा है। कांड कर लियो जो, अरे घनश्याम जी ने कैसा काम दे दिया मेरे को। क्लीन कर दो। लेट्स चेक दिस लेटर सुशीला जी।
बाकी की जगह देख लेते। नहीं, अंदर की लाइट जल रही है, शायद अंदर कोई है। कौन है अंदर? शीला जी, मैं एक काम करता हूँ, रिसेप्शन पे जाके इसकी चाबी ढूंढता हूँ। चोरी, तेरे हाथ में तो पेड़ सी तकलीफ है। अरे फड़ने खा मत बन। सुशीला जी, क्या कर रही हैं आप? खून निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ। अरे सुशीला जी, पहले बैंडेज करवा लो, इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ ना हुआ है छोटा आंटी। अगर इस वक्त मुझे कुछ पता है तो वो ये कि पता नहीं मेरे पापा जी कहाँ हैं। भाई साहब, ये सिक्के रखो आप। ना ना मैडम, हमारे रिसोर्ट में टिप नहीं ली जाती। अरे भाई साहब, टिप थोड़ी है यो, 10-10 के दो सिक्के दिए हैं भैया को, 18 चमड़ी थोड़ी दे रही हूँ मैं। 20 के हैं, इसीलिए तो। थोड़े बड़े होते तो एक बार सोच भी लेता रिसोर्ट के रूल तोड़ने के लिए। ये लोग 50 हैं, अब तो बता दो। मतलब धर्मपाल भाई साहब को कहीं देखा है ना? देखो, पक्की खबर दोगे ना तो घनश्याम भाई साहब से कहकर बड़ा इनाम दिलवाऊंगी मैं। आखिर इस रिजॉर्ट के मालिक की बहन हूँ, बहन है। 50 रुपए की कसम मैडम, जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले आपने ही बताऊंगा। मम्मी स्पेंडिंग पैसे टू फाइंड ताऊजी, दीदीज को बताता हूँ कि माय मम्मी इज इनोसेंट। जब देखो फोन में लगा रहता है। चल उस तरफ देखेंगे, चल चल मेरे साथ। तुम छोरियां ना, ये सब करके अपने प्यारे पापा जी को और भी मुसीबत में ढकेल रहे हो। घनश्याम के पेशेंस का टेस्ट मत ले बेटा, मत ले। कहाँ हो आप पापा? और ऐसे कैसे गायब हो गया? ना रिजॉर्ट से आपको बाहर जाते हो किसी ने देखा है, ना रिजॉर्ट के किसी कमरे में हो आप। कहाँ हो आप और कैसे ढूंढूं मैं आपको? जय बजरंग बली, मिल गई अंगूठी। अरे इसीलिए तो छोड़ी थी मैंने कि कोई तो उसे पाएगा। शाबाश छोरियो, अब इसे ले जाकर इंस्पेक्टर अग्नि रजावत को दे देना, बाकी 2 और 2-4 वो छोरा कर लेगा। ये तो पापा की रिंग है, लेकिन लेकिन ये रिंग तो पापा को एकदम टाइट बैठती है ना, ऐसे उंगली से निकलती नहीं है। सुशी, मुझे लगता है पापा ने जानबूझ के अंगूठी गिराई है ताकि किसी को मिल जाए। ये पापा का इशारा है हमारे लिए। जैसे सीता जी ने हनुमान जी को रिंग दी थी ताकि राम जी को पता चले कि वो लंका में है। नहीं, ये क्या है गरिमा के हाथ में? कोई सुराग तो ना हाथ लग गया इसके? ये छोरी भी ना आफत है, आफत। लाख कोशिश कर लो, लाख सर पटक लो बेटा जी, घनश्याम की लंका में अपने प्यारे पापा जी को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे तो पक्का हो गया है सुशीला कि पापा रिजॉर्ट में ही है। वॉलेट रूम में पड़ा हुआ है, यहाँ पे रिंग गिरी पड़ी है। पापा रिजॉर्ट से बाहर गए ही नहीं थे। करेक्ट, और CCTV में भी उनका बाहर निकलने का कोई फुटेज ना है, और उनका मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी रिसोर्ट का ही दिखा है। और उन्होंने ये रिंग गिराई है, मतलब कोई उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था।
पापा किडनैप हुए और वो इसी रिसोर्ट में कहीं बंद है। तू सही कह रही है बहन, अगर ये बात सच है ना बहन, तो ऐसी नीच गिरी हुई हरकत एक ही इंसान कर सकता है। मामा जी जो गुरुजी को बाहर ढूंढने जा रहा हो बोलकर रिसोर्ट के बाहर निकले ही नहीं और हमें गलत डायरेक्शन में लीड कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए, और इतनी देर से तो दिखाई भी ना दिए, चूहे की तरह किसी बिल में घुसकर बैठे होंगे। अगर मामा जी ने पापा को हाथ भी लगाया ना, तो हम उनकी ऐसी हालत करेंगे कि हिलडुल भी ना पाएंगे। एग्जाम्पल सेट करेंगे बहन कि छोरियों के बाप को अगर कोई हाथ लगाने की भी कोशिश करे ना, तो उसकी के हालत हो सकती है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.